हेलो ऑल, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज हम लोग हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे 2016 से 2020 के बीच में पूछे गए हैं। ये 2016 से हम लोग इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो हमारे एग्जाम का पैटर्न हुआ करता था वो काफी डिफरेंट था, लेकिन 2016 के बाद हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज जो है वो हमारे मेंस एग्जामिनेशन के अंदर देखा, जहां पे GS 1 2 3 नामक तीन पेपर जो है इंट्रोड्यूस किए गए और वहां पे हिस्ट्री की काफी ज्यादा वेटेज है, काफी इंपॉर्टेंस है। हिस्ट्री में हम लोग कल्चर ऑफ इंडिया क्लियर, इसके साथ साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर हम लोगों को काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस पूरे हफ्ते में हम लोग हिस्ट्री के ऊपर जो अलग अलग तरह के प्रश्न, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं के ही बारे में डिस्कस करेंगे कि आपने उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना था। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द चीफ एलिमेंट्स एंड सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। 4 मार्क्स क्वेश्चन है और 60 वर्ड्स में आप लोगों ने इसको एड्रेस करना है। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी 60 वर्ड्स में हमने किसी आंसर को करना रहता है तो हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता है आंसर शीट्स के अंदर, क्लियर। तो यही कारण है हम लोग जितना स्पेसिफिक और जितना जो कंटेक्स्ट है क्वेश्चन को उसको एड्रेस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव होगा। अब कल्चर की अगर मैं बात करूंगा तो कल्चर का सिलेबस 3 या 4 लाइन्स में 3 या 4 वर्ड्स में जो है वो हम लोगों को मेन्स एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है और अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सिलेबस से डायरेक्टली ही पिक किए गए हैं। तो आप लोगों को अगर बेसिक भी अंडरस्टैंडिंग है कल्चर की, यानी कि कल्चर के कंसेप्ट के बारे में आप लोगों को पता है, कल्चर के जो डिफरेंट या डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी आर्ट फॉर्म्स हैं जिनमें पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर स्पेसिफिकली एंड डायरेक्टली मेंशन की गई हैं, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, स्पेशली अगर मैं कल्चर की बात करूंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में। बहुत सारे स्टूडेंट्स कल्चर को बहुत मुश्किल मानते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जो सिलेबस में लिखा गया है कल्चर की या आर्ट फॉर्म्स के बारे में, आपने सिर्फ उनको रीड करना है, उनको पढ़ना है और एग्जामिनेशन में चले जाना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो उन्हीं 4 या 5 जो डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं हमारे देश के अंदर जो डेवलप हुई हैं उन्हीं के ऊपर आधारित है। और इसके साथ साथ नो डाउट कल्चर के क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मेरा मतलब क्या है कि वैसे नॉर्मली अगर हम आसान भाषा में बात करेंगे तो जो कल्चर, आर्ट एंड हेरिटेज है, तो हम सब लोगों को जो है वो ऐसा लगता है कि तीनों के तीनों शब्द जो है वो सेम भी हैं, सेम है, क्लियर। वैसे भी आसान भाषा में अगर मैं बात करूंगा तो हाँ, नो डाउट ये सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं, जो वर्ड्स हम लोग रीड करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को स्पेसिफिकली डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए कि कल्चर आर्ट में क्या फर्क है, कल्चर एंड हेरिटेज में क्या डिफरेंस है। तो आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि आने वाले जो 2 प्रश्न हमारे हैं वो कल्चरल हेरिटेज के ऊपर आधारित है, तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना था। लेकिन सबसे पहले हम एक आसान भाषा में कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको करना आप लोगों के लिए काफी आसान रहेगा। तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि जो हमारा कल्चर एंड आर्ट है उसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है। अब देखिए, कल्चर का मतलब क्या रहता है, कल्चर एक स्पेसिफिक एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर रहने वाले कुछ लोग किस तरीके से अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या उनका वे ऑफ लाइफ है, क्या वो खा रहे हैं, कौन से धर्म को जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं, ये सारे क्या पहन रहे हैं, ये सारे का सारा जो है वो कल्चर का एक हिस्सा माना जाता है, क्लियर। कैसे हम बात कर रहे हैं ये सारा कल्चर का हिस्सा है। जब उसी कल्चर को कुछ लोग इंडिविजुअली या कलेक्टिवली एक डिफरेंट शेप देते हैं, एक डिफरेंट फॉर्म देते हैं, तो उसको हम लोग कह देते हैं आर्ट फॉर्म्स, जो कहीं ना कहीं उसी कल्चर के ऊपर आधारित होती है। जैसे आसान भाषा में मैं आप लोगों को चीज समझाता हूं, हमारी ही सोसाइटी के अंदर बहुत ही पहले जो वेद थे वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा हुआ करते थे, जहां पे वर्बली एक इंसान से दूसरे इंसान को, एक ब्राह्मण से दूसरे ब्राह्मण को जो वो वेदास को सुनाया जाता था और इस तरह से सोसाइटी में वो आगे से आगे ट्रांसफॉर्म होते थे। फिर बाद में डिसाइड किया गया कि जो वेदास हैं उनको हम लोग एक लिटरेचर फॉर्म में या बुक फॉर्म में लिखेंगे, तो उसके बाद इनको जो है वो लिटरेचर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो लिटरेचर है वो कल्चर का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये एक आर्ट फॉर्म है। उसी तरीके से जैसे मैं बात करूंगा हिंदुइज्म की, कि एक समाज, एक सोसाइटी हिंदुइज्म को फॉलो कर रही है, वहां पे कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो मान लो विष्णु की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने गॉड विष्णु का स्कल्पचर बना दिया, तो उन्होंने जो एक कल्चर का जो वे ऑफ लाइफ था, जिस तरीके से वो जीवन जी रहे थे, उसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर, एक स्पेसिफिक शेप दे दी, डन, अपने अकॉर्डिंगली अपने आप विजुलाइज किया और वहां पे हम लोगों को जो है वो गॉड विष्णु का स्कल्पचर देखने को मिला। उसी तरह से जो शिवा के फॉलोअर थे उन्होंने शिवा का स्कल्पचर बना दिया। तो ये जो स्कल्पचर है, क्लियर, या लेट अस सपोज टेम्पल्स बन रहे हैं,
क्लियर, या पेंटिंग्स हैं, डांसेस हैं, लिटरेचर है, ये सारे का सारा एक समाज की ही रिफ्लेक्शन है। क्लियर, तो कल्चर जो है जब उसको हम लोग एक स्पेसिफिक फॉर्म में एम्बॉडीमेंट करते हैं, एक स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो अलग अलग तरह की आर्ट फॉर्म्स को डेवलप करता है या ओरिजिनेट करता है। तो कल्चर देन आर्ट फॉर्म्स, आई होप थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेरिटेज एंड कल्चर की। तो बहुत सारे लोग जो कल्चर एंड हेरिटेज है उसको सेम ही मानते हैं। यस, अगर हम थोड़ा लूज शब्दों में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बिल्कुल सेम है, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो हेरिटेज और कल्चर में फर्क क्या है। कल्चर जो है वो डायनेमिक है, यानी कि कल्चर चेंज होता रहता है। जो कल्चर आज से 10 साल पहले था, थोड़ा सा वो चेंज आज हुआ होगा, कल भी वो चेंज होगा, लेकिन जो हेरिटेज है वो मोर और लेस स्टैटिक रहती है, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होता। हेरिटेज का मतलब क्या है? हेरिटेज का मतलब है जो पुरानी जनरेशन ने हमें कोई चीज दी है। मान लो पुरानी जनरेशन ने हमारे लिए ताजमहल बनाया, तो वो हमारे कल्चर का तो हिस्सा है ही, लेकिन वो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, क्योंकि अब उसमें किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग नहीं देख सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि अगर उसी ताजमहल से इंस्पायर होके कुछ नया इनोवेशन कर दिया जाए, जहां पे इस्लामिक आर्किटेक्चर के साथ साथ जो हिंदू आर्किटेक्चर या जो हमारा ब्रिटिश आर्किटेक्चर है उसको मर्ज करके, फ्यूज करके, उसका फ्यूजन करके कोई नई चीज का निर्माण किया जाए, तो वो नो डाउट एक जो आज की जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा, उसको इंस्पायर करेगा। लेकिन जो हेरिटेज है वो हमेशा स्टैटिक होती है, जो पुरानी जनरेशन ने नई जनरेशन के लिए रखी होती है। क्लियर, तो थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस जो हम लोगों को कल्चर एंड कल्चरल हेरिटेज के बीच में देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन की बात की जाए तो ये है। अब अगली बात आएगी कि जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड को हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो केटर करना है। क्लियर, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन अगर आप लोग यहां पे रीड करोगे तो क्वेश्चन आपका है थ्रो लाइट ऑन, एक सेकेंड मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ, क्वेश्चन आपका है थ्रो लाइट ऑन चीफ एलिमेंट्स एंड सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर्स। तो भारत के जो अलग अलग कल्चर्स हैं उनके फीचर्स और एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने बताना है। तो आप लोगों के आंसर में ये दोनों के दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं वो पूरे होने चाहिए, यानी कि आपको एलिमेंट्स के बारे में भी बताना है और उसके साथ साथ हमारे जो कल्चर्स हैं उनके क्या फीचर्स हैं उनके बारे में भी बताना है। तो जब हम लोग इंडियन कल्चर के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वहां पे इंडियन कल्चर की जो रिफ्लेक्शन है वो हम लोगों को डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में देखने को मिलती है। तो एलिमेंट्स की, जो मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था, पेंटिंग्स, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, फिलोसफी, रिलीजन एंड साइंस, ये सारे के सारे जो है वो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर्स है। क्लियर, अब नो डाउट ये आर्ट फॉर्म्स हैं लेकिन ये रिफ्लेक्शन है हमारे समाज के या हमारा जो इतिहास है उसी के ही। क्लियर, तो यहां पे आप लोग इसको थोड़ा और बेटर कर सकते हैं कि पेंटिंग्स में आप एग्जांपल ले सकते हो, चाहे मुगल पेंटिंग की बात की जाए, राजपूत पेंटिंग्स की बात की जाए, पहाड़ी पेंटिंग की बात की जाए, या जो हमारी पेंटिंग्स जो हैं वो अजंता नलोरा में हम लोगों को देखने को मिलती हैं उनकी बात की जाए। क्लियर, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स दोगे हर एक का तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। म्यूजिक की बात की जाए, कार्नेटिक का बात की जाए, हिंदुस्तानी की बात की जाए, लिटरेचर की बात की जाए, चाहे वैदिक लिटरेचर की बात की जाए, बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात की जाए, जैन लिटरेचर की बात की जाए, पर्शियन लिटरेचर की बात की जाए, इंग्लिश लिटरेचर की बात की जाए, तो सारे के सारे जो डायमेंशन है वो यहाँ पे कवर किए जाएंगे। उसी तरीके से स्कल्पचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्पेशली हम लोगों को गांधारा स्कल्पचर जो है उसके बारे में आई होप आप सब लोगों को पता होगा, मथुरा के बारे में पता है। फिलोसफीज की बात की जाए तो अगेन यहाँ पे दो तरह की फिलोसफीज हैं, जिसमें मेनली डोमिनेटिंग जो है वो आपकी अलग अलग तरह की हिंदू फिलोसफीज हैं। क्लियर, इसके अलावा बुद्धिस्ट फिलोसफी है, जैन फिलोसफी है, जो कहीं ना कहीं आप लोग रिलीजन के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं। साइंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो चार्वाका के बारे में आई होप आप सब लोगों ने सुना होगा, आर्यभट्टा के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, तो इन सबको आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल या एक एक वर्ड एक एक लाइन जो है उनके बारे में लिख सकते हो, तो आपका 60 वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं, या 60 में से 30 वर्ड जो है जो फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ योर क्वेश्चन है, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर्स, उसको एड्रेस कर देगा। उसके बाद दूसरा आ गया, दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। अब ना यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ना डायरेक्शन की बड़ी आवश्यकता होती है। वैसे जो 60 वर्ड में हम लोगों ने आंसर लिखने होते हैं उसमें कभी कभी डिस्कस लिख देते हैं, कभी क्रिटिकली एग्जामिन लिख देते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है डायरेक्टिव को एज इट इज एड्रेस करना। लेकिन फिर भी जो थ्रो लाइट रहता है उसका ये मतलब है कि जो लाइन लिखी गई है इसको आप लोगों ने, जो लोग हैं या जो आपका एग्जामिनर है, उसको आसान भाषा में समझाना है, इसके ऊपर प्रकाश डालना है, रोशनी डालनी है। और जब भी हम किसी चीज के ऊपर लाइट डालते हैं तो हमारा एक ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो चीज क्लियरली विजिबल हो, यानी कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है आपने जो एग्जामिनर है उसको समझाना है कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट के अंदर क्या चीजें आप लोगों ने मेंशन करनी है, ताकि जो लिखी हुई चीजें हैं एलिमेंट्स एंड सेलियंट फीचर्स वो एग्जामिनर को क्लियरली दिख सके। तो क्वेश्चन में ये जो कंटेक्स्ट होता है, दैट इज थ्रू लाइट या एग्जामिन,
या व्हाट व्हाई व्हेन जो भी है वो आप लोगों को डायरेक्टली एड्रेस करना है अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए। उसके साथ अगर हम फीचर्स की बात करेंगे इंडियन कल्चर्स की, क्लियर, तो इंडियन कल्चर का सबसे बड़ा फीचर यही है, जैसे पहला है कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, यानी कि कुछ जैसे मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूंगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आज की मॉडर्न सोसाइटी में भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। वैदिक कल्चर में जो वेदास लिखा गया उनका कहीं ना कहीं आज भी हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन, या काफी लोग जो है वो आज भी वैदिक या जो वेदास हमारे हैं जो आज से 1500 2000 साल पहले लिखे गए उनको फॉलो करते हैं। तो हमारा एक ऐसा कल्चर है जिसमें कॉन्टिन्यूटी भी है और उसके साथ साथ आप एट द सेम टाइम बहुत बड़े बड़े मेट्रो सिटीज देख सकते हो, बॉम्बे दिल्ली देख सकते हो, जहाँ का कल्चर जो है वो बिल्कुल मॉडर्न कल्चर है जिसका पुराने कल्चर से हिस्ट्री से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इंडियन कल्चर के दोनों फीचर्स हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी भी है, जैसे पशुपति शिवा को तब भी फॉलो किया जाता है और कहीं ना कहीं शिवा के जो फॉलोअर्स हैं आज भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर, जिस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रॉपर अर्बन प्लानिंग की गई थी उसी तरह का इंपैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं ग्रिड शेप जो है वो आपको आज के टाइम पे भी देखने को मिलता है। तो जितना आप लिंक कर सकते हो उतना आप लोगों के लिए बेटर है, लेकिन लिंकेज के लिए आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग आपके साथ इन सवालों को, इन प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा है वैरायटी एंड यूनिटी। अगर आप लोग देखोगे इंडिया को, हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप नॉर्थ साउथ या इवन यहीं पे ही जैसे नॉर्थ में भी अगर मैं बात करूँगा, पंजाबी कल्चर को देखोगे, पहाड़ी कल्चर को देखोगे, क्लियर, तो आप लोगों को काफ़ी अलग देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रिलीजन डिफरेंट डिफरेंट है, क्लियर। जैसे पंजाब की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे हिंदू भी रह रहे हैं, सिख्स भी रह रहे हैं, मुस्लिम्स भी रह रहे हैं, क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं। लेकिन जब मैं कल्चर की बात करूंगा तो मोर और लेस सबके सारे के सारे लोगों का मेजोरिटी ऑफ कल्चर, जैसे मैं कपड़े डालने की बात करूंगा, बोली की बात करूंगा, खाने की बात करूंगा, रहन सहन की बात करूंगा, तो बहुत ज़्यादा सेम है। तो हमारे यहाँ पे अगेन कल्चर एक ऐसा नहीं, तो नॉर्मली क्या रहता है कि मेजोरिटी ऑफ नेशंस में या मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज में उनका कल्चर जो वो या तो वैरायटी होती है उसमें या तो यूनिटी होती है, क्लियर, या तो उसमें कॉन्टिन्यूटी होती है, वो कम्प्लीटली चेंज होता है। लेकिन हमारे देश का जो कल्चर है इसकी यही ब्यूटी है कि हम इसके हमें दोनों एस्पेक्ट्स, दोनों साइड जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ जो वो सेकुलर आउटलुक सारे धर्म जो हैं, किसी भी रिलीजन को आप लोग उठा लीजिए जो हमें हमारे देश के अंदर देखने को मिलते हैं, वो सभी धर्म जो है वो दूसरे के धर्मों का सम्मान करने की बात करते हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सलिज्म। अब हमारे यहाँ पे नो डाउट हम एक देश हैं, लेकिन हमारे जो कंट्री का मेन ऑब्जेक्टिव है वो वही है जो वासुदेव कुटुंबकम पहले हुआ करता था, कि पूरे का पूरा जो दुनिया है वो एक ही परिवार है और सब लोगों को शांति के साथ रहना है। ये कहीं ना कहीं हमें हमारे DPSPs के अंदर भी देखने को मिलता है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेसिफिकली बात करूंगा तो जो यूनिवर्सलिज्म है जहाँ पे सभी को ही भाई माना गया है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की गई है, ये भी हमारे एक कल्चर की इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके साथ साथ हमारा कल्चर जो है वो मेटेरियलिस्टिक भी है, क्लियर, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो मेटेरियलिज्म को जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, लोकायता कि जिंदगी में आए हो तो एंजॉय करो, क्लियर। कुछ ऐसे हैं जैसे अगर हम लोग हिंदुइज्म की बात करेंगे, बुद्धिज्म की बात करेंगे, जैनिज्म की बात करेंगे, तो वो स्पिरिचुअलिज्म को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो हमारे कल्चर के अंदर, अगेन दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, क्लियर, यहाँ पे इतने ज्यादा कल्चर्स, इतने ज्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है कि हर एस्पेक्ट ऑफ कल्चर जो शायद पूरी दुनिया में हो सकता है वो आप लोगों को हमारे देश के अंदर देखने को मिलता है। तो आप लोगों को इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर दोनों एस्पेक्ट जो कल्चर्स के हैं उनको कवर करना है, दैट इज एलिमेंट्स एंड सेलियंट फीचर्स, क्लियर। ये जो स्पेसिफिक फाइल है ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हिमाचल प्रदेश जीके तूफानी पहाड़ी, वहां पे भी अपलोड कर दी जाएगी। और उसके साथ साथ जो हमारा पोर्टल है जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है, पोर्टल के ऊपर सारे वीडियो जितने अभी तक लेक्चर्स डिस्कस किए गए हैं और उसके साथ साथ उनके मॉडल आंसर्स आप लोगों को पोर्टल के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। फ्री है, कोई पेमेंट वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ लोगों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए की जाती हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन ऑन इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। 4 मार्क्स का है, 60 वर्ड्स का है। तो कल्चरल हेरिटेज के बारे में मैं आप लोगों को भी बता रहा था कि कल्चरल हेरिटेज है जो पुरानी जनरेशन से हमें आज तक दी है, तो आज से पहले सारी के सारी जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमारे कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। और आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही कल्चर के अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया, क्लियर। तो आप लोगों ने उसके इम्पैक्ट को जो है वो डिस्क्राइब करना है। अब देखिए जब डिस्क्राइब का वर्ड यूज किया जाता है तो डिस्क्राइब का मतलब है कि अगेन जो
कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है, कोई जो भी आपसे स्टेटमेंट दी गई है आपने उसको और ज्यादा बेटरली एक्सप्लेन करना है, या और ज्यादा लोगों को या जो एग्जामिनर है उसको इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करनी है. क्लियर? तो डिस्क्राइब एंड थ्रो लाइट काइंड ऑफ सेम ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे. अब देखिए, चार नंबर के क्वेश्चंस में अगर आपके पास कंटेंट कम है तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए. तो इंट्रोडक्शन मेनली किसके ऊपर रहती है, जो हमारा क्वेश्चन की सेंट्रल थीम होती है. तो जैसे इस क्वेश्चन की सेंट्रल थीम जो है वो कल्चरल हेरिटेज है, तो आप कल्चरल हेरिटेज से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आपके पास कंटेंट कम है. लेकिन अगर आपके पास कंटेंट ज्यादा है तो बेटर यही है कि डायरेक्टली मेन बॉडी यानी कि यहीं से अपने आंसर की जो है वो शुरुआत की जाए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आपके पास स्पेस बहुत ज्यादा नहीं होगा. और कोशिश करना आप लोगों ने कि चार नंबर के जो सवाल है उनको पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए, ताकि ज्यादा इंपैक्टफुल आंसर जो है वो आप लोगों को देखने को मिले. अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई माइग्रेशन का मतलब क्या है, कि माइग्रेशन का मतलब जहां पे लोग अपनी मर्जी से आए, माइग्रेशन का मतलब है लोगों को जबरदस्ती लाया गया, लोग अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे फिर यहाँ पे आए. देखिए, माइग्रेशन का मतलब है बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे वो इंट्रूजन के जरिए आ रहे हैं, चाहे वो मन से आ रहे हैं, जबरदस्ती आ रहे हैं, जैसे मर्जी आ रहे हैं, चाहे इमिग्रेशन जो भी है, सारे का सारा जो हिस्सा है वो आपका माइग्रेशन का पार्ट माना जाता है. तो आसान भाषा में हमारे यहाँ पे जो भी फॉरेन रूलर्स आए, क्लियर, जो भी फॉरेन ट्रेवलर्स आए, जो यहाँ पे जिन्होंने रहना शुरू कर दिया, जो यही सी कल्चर का हिस्सा बन गए, वो सारे का सारा जो वो माइग्रेशन के कंसेप्ट के अंदर उनको डाला जाएगा. अब यहाँ पे लेट अस सपोज आपको ज्यादा पता नहीं है कि क्या इंपैक्ट है, तो सोचना शुरू करिए कि हमारे कल्चरल हेरिटेज के क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. तो थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया, हमने देखा रिलीजन एक एस्पेक्ट है, आर्किटेक्चर एक एस्पेक्ट है, पेंटिंग एक एस्पेक्ट है, लिटरेचर जो है वो एस्पेक्ट है, उसके साथ साथ साइंस जो है वो एक एस्पेक्ट है. तो ऐसा सोचिए कि कौन जो बाहर से जो लोग आए उनका क्या क्या इंपैक्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है. जैसे अगर मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, तो वो तो यहाँ से डेवलप नहीं हुए, वो तो बाहर से ही हुए, सेंट्रल एशियन या यूरोपियन रीजन से ही हम लोगों को फ्लरिश होते हुए देखने को मिले. तो यहाँ पे वो तब पहुंचे जब बाहर वाले लोगों का यहाँ पे अराइवल हुआ, चाहे ब्रिटिश ट्रेडर्स के रूप में आए, बाद में उन्होंने यहाँ पे हमें अक्वायर किया, या जो इस्लामिक रूलर्स थे, इन्वेडर्स थे, वो यहाँ पे आए और उन्होंने वो बाद में हमारे ही कल्चर का हिस्सा बन गए. तो रिलीजन के ऊपर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब वो वहां से आए उनके साथ एक कल्चर आया, एक धर्म आया, जो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जिसको एम्ब्रेस किया. क्लियर? उसी तरह से जैसे मैं आर्किटेक्चर की बात करूंगा, तो पुराने जमाने में तो आर्किटेक्चर जो है वो यहीं का ही लोकल हुआ करता था, लेकिन जब हम लोगों को कुशनाज देखने को मिले, क्लियर, उसके बाद जब इस्लामिक यहाँ पे इन्वेजन हुआ, उसके बाद जब ब्रिटिश का यहाँ पे अराइवल हुआ, तो जो भी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमें डेवलप देखने को होता हुआ देखने को मिलता है, जैसे इस्लामिक टाइम पीरियड के ऊपर जो डोमेन डार्क फॉर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत चार बाग स्टाइल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये भी माइग्रेशन का ही एक इम्पैक्ट है, जो आज हमारी हेरिटेज है. जैसे मैं ताजमहल की स्पेसिफिकली बात करूंगा, लाल किला की बात करूंगा, तो ये सारे का सारा, या जो गोवा के अंदर चर्चेज हैं उनकी मैं बात करूंगा, क्लियर, ये सारे के सारा हमारे जो माइग्रेशन यानी कि बाहर से जो लोग आए हैं उन्होंने हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारे जनरेशन ने हमें पास की है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारे का सारा जो है वो आपके आंसर के अंदर आएगा. उसी तरीके से पेंटिंग्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे जो मतलब ट्रेडिशनली जो हिंदुस्तान के अंदर पेंटिंग्स की जाती थी, वहाँ पे गॉड एंड गॉडेसेस की पूजा की जाती थी, उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी, लेकिन जब इस्लामिक पेंटिंग्स आई तो उनमें हमें चेंजेस देखने को मिले, वहाँ पे वेजिटेशन वगैरह जो उसको ज्यादा कवर किया गया, जो इंसान की मूर्तियां थी, इंसान की पेंटिंग्स थी, उनको डिसकरेज किया गया, क्योंकि इस्लाम का जो बेसिक फिलॉसफी थी वो डिफरेंट थी, वहां पे किसी तरह के आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं किया जाता था. लिटरेचर में पर्शियन लिटरेचर इंट्रोड्यूस हुआ, बाद में इंग्लिश लिटरेचर इंट्रोड्यूस हुआ, साइंस के अगर हम बात करेंगे होम्योपैथी, एलोपैथी, सारे के सारे जो लोग बाहर से आए उन्होंने ही कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो है वो इनको इंट्रोड्यूस किया. तो जब हम लोग पूरे इम्पैक्ट को असेस करेंगे तो आपको अलग अलग डायमेंशंस में करना है. अब चाहे आप इसको पीरियड वाइज डिवाइड कर लो कि एंशियंट टाइम पीरियड में क्या हुआ, मिडाइवल में क्या हुआ, मॉडर्न में क्या हुआ, वो आपकी मर्जी है, या आप ऐसे कर लो कि जो एस्पेक्ट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कल्चरल हेरिटेज के, चाहे आप उसको उसके साथ रिलेट कर लो, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो. आसान भाषा में जो क्वेश्चन की डिमांड है आपने उसको ही फुलफिल करना है. समझ आएगा? नहीं, चलिए तीसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं. ये क्वेश्चन मुश्किल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टिव देख के कंफ्यूज होंगे. ये है, एग्जामिन क्रिटिकली द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, 4 मार्कर क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में पूछा गया है, आपने इसको 60 शब्दों में जो वो लिखना है. अगेन, इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई बड़ा कंपल्सरी नहीं है, एक लाइन में कल्चरल हेरिटेज के बारे में लिख लीजिए. अब यहाँ पे आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकली एग्जामिन. काफी लोगों को ऐसा लगता है कि सर क्रिटिकली लिख दिया तो इसका मतलब है कि क्रिटिसाइज करो कल्चरल हेरिटेज को. नहीं, ऐसा नहीं है. जब हम लोग एग्जामिन क्रिटिकली की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो भी आपसे चीज पूछी गई है उससे जो रिलेटेड इश्यूज हैं उनका आपने मैक्सिमम ब्रॉड हॉराइजन में जो है वो एनालिसिस करना होता है.
अब क्योंकि ये 4 नंबर में सवाल पूछा गया है तो आप लोगों के पास इतना ज्यादा स्पेस नहीं है ना, इतने ज्यादा वर्ड्स हैं कि आप इसमें सारी चीजें लिख सको, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करोगे। सबसे पहले आप लोग कल्चरल हेरिटेज के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि क्यों हम लोगों को कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस स्पेसिफिक कंसेप्ट के ऊपर आप लोगों से सवाल पूछा गया तो आपको यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज के बारे में लिखना पड़ेगा, जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कल्चर एंड कल्चरल हेरिटेज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पॉजिटिव लिख सकते हो, जैसे अगर मैं ही आपसे पूछूं तो आप खुद सोचिए कि मैं क्यों हम लोग अपने जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करने की बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि यही वो देश है जहां पे धरती की चुंबकीय शक्ति यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स की बहुत पहले बात की गई थी। क्लियर? ये वही देश है जहां पे जीरो की डिस्कवरी हुई थी। क्लियर? ये वही देश है जहां पे चारक संहिता लिखी गई है। क्लियर? ये वही देश है जहां पे हम लोगों को अर्थशास्त्र देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं हमारे यहाँ पे जो कल्चर का हमारा हिस्सा है, कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है, और उसको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने की हम लोगों को जरूरत है, चाहे वो हमारे प्राइड के लिए है, चाहे वो हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए है कि आज की जो जनरेशन है वो अपने पूर्वजों से काफी अच्छी चीजें सीखे, जो बेस्ट चीजें हैं उनको और ज्यादा इवॉल्व करे विद द पैसेज ऑफ टाइम, और देश जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। तो कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। बट एट द सेम टाइम स्पेसिफिक टाइम पे कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां पे कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेसेस भी हैं जहां पे कल्चरल हेरिटेज जो है वो डिस्टॉर्टेड है। क्लियर? लोग जो है वो प्रॉपरली उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो सरकार के आदेश है उनका पालना नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जगहों के ऊपर जो हमारे यहाँ पे जो पुरानी मूर्तियां वगैरह थी उनकी या तो चोरी हो जाती थी या टूट जाती थी या कोई बाहर ले जाता था। क्लियर? तो बहुत सारे चैलेंजेस, पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है। क्लियर? बहुत सारे चैलेंजेस जो हम लोगों को कल्चरल हेरिटेज में देखने को मिलते हैं। तो ये दूसरा एस्पेक्ट भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। तीसरा, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज, क्योंकि जब नॉर्मली एग्जामिन क्रिटिकल रहता है तो हमें दो हिस्सों को दो ब्रॉड होराइजन में, एक उसका पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंसेप्ट या एस्पेक्ट जो है वो अपने आंसर के अंदर कवर करना होता है। जो सेकंड ये वाला है, ये ऑप्शनल है, करना है तो कर लो, क्योंकि हम इससे रिलेटेड इश्यूज को भी डिस्कस करते हैं जो इस स्पेसिफिक टाइम पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ये हो सकता है, वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कि जो अगर मैं अपनी एंशियंट सोसाइटी की बात करूंगा तो वहां पे वुमेन की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वहां पे कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड था, जहां पे इनह्यूमन प्रैक्टिसेस जो है वो काफी की जाती थी, जिनमें से सती प्रथा जो है वो बहुत ही एक प्रेवलेंट प्रैक्टिस हुआ करती थी। तो अगेन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कार्ड भी करना होता है। तो ध्यान रखिए, जो कल्चरल हेरिटेज है या कल्चर है उसका मतलब ये नहीं है कि पुराने टाइम को एज इट इज यहाँ पे रिप्लीकेट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही सेम तालिबान भी करने की कोशिश कर रहा है। आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है या कल्चरल हेरिटेज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको आज इवॉल्व करो और बेटर करो, और जो नेगेटिव चीजें हैं उनको डिस्कार्ड करो। क्लियर? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अल्टीमेटली जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ह्यूमैनिटी है उसकी तरफ हर एक इंडिविजुअल को मूव करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग एस्पेक्ट्स को आप लोग अपने आंसर के अंदर लिख सकते थे। तो ये थे हमारे कल्चर के जो पार्ट 1 है, लेक्चर 1 है, उसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न। कल हम लोग कल्चर के, और वो आसान क्वेश्चन है क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड लास्ट में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को खत्म करते हैं, मिलते हैं कल फिर से। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।